आप तालाब के किनारे बैठे हो, आपको तैरना आता है, पीछे से एक शराबी पागल व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति आता है, सुसाइड करने के लिए तालाब में छलांग लगाता है, और आप किनारे पर बैठे बैठे देखते रह गए हैं, डूबता है डूबने दो, मैंने धक्का दिया नहीं, मुझे उसने पूछा नहीं, मुझे उसने बुलाया नहीं बचाने के लिए, आपके सामने डूब करके मरता है, आप जिम्मेदार कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? पक्का पक्का, जरा जोर से बोलो पक्का। ये सारी दुनिया तुम्हारे आंखों के सामने हिंसा के दावानल में जल करके भस्म हो रही है, असंयम के दासागर में डूब रही है, और तुम्हारे पास संयम और अहिंसा का मंत्र है, तुम यदि उनको नहीं बचाते हो तो उनके डूबने की जिम्मेदारी, बोलिए, ये आप पर जिम्मेदारी है, ये मेरे पर जिम्मेदारी है। मैं किसी को तिरा सकता हूं, तिराता नहीं हूं, तो उसके डूबने की जिम्मेदारी मेरे पर है। बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो, और जिस दिन तुम जिम्मेदार बनोगे दुनिया का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हालत हो गई हमारे चुप रहने की, देखिए क्या हालत हो गई हमारे चुप रहने की। हम किसी कत्तल खाने को बंद नहीं कर पाते हैं, हम किसी शराब खाने को बंद नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट हमारे देखते देखते हमारे तीर्थ क्षेत्र को शराब खाना बनाने पर तुल जाती है। ये हमारे मौन रहने का परिणाम है। जहां अनर्थ को तीर्थ बनाना चाहिए था, जहां व्यर्थ को सार्थ बनाना चाहिए था, वहां यदि कोई तीर्थ को अनर्थ बना रहा हो और उस समय यदि आप चुप रहते हो, तो महाभारत के भीष्म पितामह बनते हो। मैं वापस मेरी बात को दोहरा रहा हूं, जरा याद करिए, भीष्म पितामह को याद करो। यदि महाभारत के उस दूत सभा में भीष्म पितामह एक शब्द बोलते हैं, कितना शब्द बोलना था? एक शब्द बोलना था, द्रौपदी के सही सवाल का सही जवाब देना था, और जवाब दे देते तो महाभारत का युद्ध आज यदि सम्मेत शिखर पर्यटन स्थल बनता है तो तुम भीष्म पितामह जिम्मेदार बनो। कैसी किसी की हिम्मत हो सकती है? मैं बहुत तीखे शब्दों में बोलना पसंद करता हूं, लेकिन यहां नहीं बोलूंगा, बस झलक दे रहा हूं। केवल किसी वेश्या को सती बनाना धर्म हो सकता है, लेकिन किसी सती को वेश्या बनाना धर्म नहीं हो सकता है। किसी शराब खाने को मंदिर बनाना धर्म हो सकता है, लेकिन किसी मंदिर को शराब खाना बनाना धर्म नहीं हो सकता है। सरकार का काम है, शासन का काम है, नीति का अच्छे स्थल तैयार करने का। आज संयम की आवश्यकता है, आज अहिंसा की आवश्यकता है, आज तपस्या की आवश्यकता है। सम्यक शिखर ये संयम का शक्ति स्रोत है, ये तपस्या का शक्ति स्रोत है, यह अहिंसा का शक्ति स्रोत है, ये योग का शक्ति स्रोत है, ये योग का ऊर्जा केंद्र है। और उसको यदि कोई भोग का ऊर्जा केंद्र बना रहा होगा तो मंजूर नहीं होगा। एक बार फिर जैनियों को सबको साथ में लेकर के संलेखना के जैसा आंदोलन चलाना होगा कि समय शिखर के तीर्थ को कोई अनर्थ का केंद्र बनाता होगा तो हमारे जिंदा रहते हुए असंभव नहीं होगा, यह नारा लगाना होगा। चुप मत रहिए, चुप मत रहिए। मेरा आग्रह है, जो जहां है जैसे है, इस मैसेज को दूर तक पहुंचाइए। कोई मक्का मदीना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, काशी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अयोध्या के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, अमृतसर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो,
व्यक्ति सम्यक शिखर के साथ छेड़छाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हो सकती है? ये सोचना होगा, बुलंदी से सोचना होगा। अहिंसा का मीनिंग ये नहीं कि मैं दुराचार को स्वीकार करूं, अहिंसा का मीनिंग ये नहीं कि मैं अन्याय को स्वीकार करूं, और क्षमापना का मीनिंग ये नहीं कि गुनहगार को गुनाह करने की परमिशन दे दूं। क्षमा का मीनिंग ये नहीं, क्षमा का मीनिंग इतना ही कि मैं गुनहगार के प्रति दुर्भावना नहीं रखता हूं, लेकिन गुनहगार को गुनाह करने की परमिशन नहीं दे सकता हूं। इस बात को हम सोचें।